नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग में। और आज हम बात करेंगे, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि पहले वीडियो में भी हमने बात की थी कि हम लोग आपको बताएंगे हमारे जो वर्कशॉप होती है या जो हमारा प्रैक्टिकल होता है उसमें दो तरीके की चीज़ों पर हमने बात की थी, टेस्ट और एक्सपेरिमेंट की। तो आज हम उसी को डिटेल में आपको बताने जा रहे हैं कि टेस्ट क्या होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स क्या होते हैं, क्या क्या चरण होते हैं और किस तरीके से इनको इनका उपयोग किया जाता है और इनको लिखा जाता है। तो आज हमारे साथ इस बारे में बात करने के लिए हमारे मनोविज्ञान विभाग से डॉक्टर भाग्यश्री जोशी उपस्थित हैं। तो भाग्यश्री जोशी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए। जैसा कि आपको पता ही है, हम जब भी वर्कशॉप करते हैं तो हम हमेशा इस तरीके की चीज़ों को फेस करते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को एक दुविधा रहती है कि हम क्या टेस्ट क्या है, एक्सपेरिमेंट क्या है, कैसे करने हैं, कैसे फाइल बनानी है, ये सारी चीज़ें एक उनके लिए बड़ा प्रश्न रहता है। तो शुरुआत करते हैं हम कि मनोवैज्ञानिक प्रयोग और परीक्षण में क्या अंतर है। जी बिल्कुल मैम, बहुत बार जो शिक्षार्थी होते हैं उनके मन में ये प्रश्न आता ही है कि हम प्रयोग कर रहे हैं, कि हम परीक्षण कर रहे हैं, इनके बीच में क्या अंतर है। तो जो मनोवैज्ञानिक प्रयोग होते हैं वो थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से किए जाते हैं, उसमें हम लोग थोड़ा सावधानियां रख कर के उसमें वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, इसके अलावा जो इस तरीके की सारी जो वैज्ञानिक विधियाँ होती हैं उनका प्रयोग हम करते हैं। वहाँ पर हम वेरिएबल्स को कंट्रोल करते हैं, हम लोग प्रॉब्लम हाइपोथेसिस बनाते हैं और प्रॉपरली उसको साइंटिफिक मेथड से किया जाता है। वहीं पर जो परीक्षण होते हैं, जो टेस्ट होते हैं, वो इंडिविजुअली भी हम कर सकते हैं। अगर हम उन्हें इंडिविजुअली कर रहे हैं तो उसमें वो क्या बताते हैं, वो हमको जो हमारी व्यक्तिगत भिन्नताएँ हैं, हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, उनके बारे में हम जानने के लिए परीक्षण करते हैं। हम लोग किसी के व्यक्तित्व की या फिर संज्ञानात्मक संरचना है, हमारी संज्ञानात्मक विशेषताएं हैं, इनको जानने के लिए हम इंडिविजुअली भी हम क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं। वही क्या होता है जब हम लोग इसे इंडिविजुअल ना करके एक ग्रुप में इसको एडमिनिस्ट्रेट करते हैं तो फिर हम उसको एक रिसर्च फॉर्म में चेंज कर लेते हैं और वहाँ पर हम उनको फिर प्रॉपरली साइंटिफिकली करते हैं, जहाँ पर हम उसमें वेरिएबल्स का कंट्रोल करना है, हम हाइपोथेसिस का फॉर्मेशन है, इन सब चीज़ों पर ध्यान देते हैं। लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि क्योंकि हमारा ये डिस्टेंस लर्निंग है और यहाँ पर बच्चे ऑनलाइन ज़्यादातर क्लासेस यहाँ पर हो रही होती हैं, वर्कशॉप भी ऑनलाइन हो रही होती है, तो हम कोशिश करते हैं कि हम लोग इंडिविजुअली ही टेस्ट को, परीक्षणों को करवा लें। तो जब वो इंडिविजुअली उनको करते हैं तो उसमें वो उन्हें एक टेस्ट फॉर्म में करते हैं तो वहाँ पर ज़रूरत नहीं होती किसी प्रॉब्लम की या हाइपोथेसिस के फॉर्मेशन की, नहीं करते हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम वहाँ पे। तो वहाँ पर हम एक एम लेकर के चलते हैं और उस उद्देश्य के आधार पर हम उस परीक्षण को करते हैं, क्योंकि अगर आप एक इंडिविजुअल पे किसी परीक्षण को कर रहे हैं तो एक उद्देश्य लेना बहुत जरूरी है कि क्या उद्देश्य है, क्यों कर रहे हैं आप उसके ऊपर एक टेस्ट। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये डिफरेंस रहता है कि टेस्ट जो होते हैं वो किसी के इंडिविजुअल डिफरेंस है, कॉग्निटिव एबिलिटीज हैं, इमोशनल एबिलिटीज हैं, इनकी मेजरमेंट भी हम करते हैं। उन पर जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उन्हें हम साइंटिफिकली करते हैं क्योंकि वो लैब में किए जाते हैं और अपैरेटस के थ्रू किए जाते हैं, तो उनको थोड़ा सा हम साइंटिफिकली वहाँ पर करने की कोशिश करते हैं। तो बिल्कुल, तो कहने का मतलब ये है कि जब हम प्रयोग करते हैं तो हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस को पता करते हैं और जब हम परीक्षण करते हैं तो उसका लेवल एक दूसरा होता है क्योंकि उसको हमें आगे जनरलाइज भी करना, क्योंकि ये माना ही जाता है कि साइकोलॉजिकल जितने भी टेस्ट एंड एक्सपेरिमेंट्स होते हैं या रिसर्चेस जितनी भी होती है उनमें एबिलिटी तो होती है जनरलाइजेशन की। बहुत बहुत अच्छी तरीके से आपने समझाया। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या मनोवैज्ञानिक प्रयोग व परीक्षण के दौरान हम समस्या या उद्देश्य बनाकर चलते हैं, उस पर थोड़ा सा प्रकाश। हाँ, यही मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले जो बताया यही था कि जब आप किसी इंडिविजुअल पे करेंगे किसी टेस्ट को, अभी हम टेस्ट की बात कर रहे हैं, परीक्षण की बात कर रहे हैं, तो अगर आप किसी इंडिविजुअल पे कर रहे हैं तो वहाँ पर आप एम लेकर चलते हैं, एक उद्देश्य लेकर चलते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप व्यक्तित्व का परीक्षण कर रहे हैं तो किसी भी व्यक्तित्व आपकी जो भी आपने टेस्ट लिया है उसके माध्यम से सब्जेक्ट के व्यक्तित्व की विमाओं का अध्ययन करना, व्यक्तित्व का अध्ययन करना, जो भी वो टेस्ट जिस चीज़ के लिए बना है उस चीज़ को डेमोंस्ट्रेट कर रहा है तो उसका अध्ययन करना, ये उद्देश्य लेकर हम चलते हैं। वहीं पर जहाँ पर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं,
क्योंकि एक्सपेरिमेंट मैंने आपसे कहा कि कंट्रोल कंडीशंस में किए जाते हैं, तो वहाँ पर हम लोग प्रॉब्लम बनाते हैं. प्रॉब्लम जैसा कि हमें सभी को पता है कि एक प्रश्नवाचक वाक्य होता है जो दो चरों के बीच संबंध को जानने की कोशिश करता है कि अगर दो चर हमने दिए हैं तो उनके बीच में क्या रिजल्ट आएगा, क्या संबंध आएगा या क्या संबंध होगा. तो हम पूरे प्रयोग के दौरान उस समस्या के समाधान को करने की कोशिश करते हैं. और वहीं पर जब आप टेस्ट को किसी इंडिविजुअल पर ना करके किसी ग्रुप में करते हैं तो वहां पर फिर आप आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम करते हैं. तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं बस ये जानना चाहती हूँ आपसे कि आप परिकल्पना के बारे में जैसे आप बात कर रही हैं, तो परिकल्पना से क्या मतलब है? क्या मनोवैज्ञानिक प्रयोग एवं परीक्षण में परिकल्पना का निर्माण किया जाता है? हाँ मैम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब हम किसी परीक्षण को यानी कि टेस्ट को किसी इंडिविजुअल पे कर रहे हैं तो वहां पर हम सिर्फ एम लेकर चल रहे हैं, तो वहां पर हम हाइपोथेसिस नहीं बनाते हैं. लेकिन जहां पर हम प्रयोग कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो वहां पर हम हाइपोथेसिस को बनाते हैं. हाइपोथेसिस क्या है? जो भी आपने समस्या बनाई है, हमने कहा कि हमने एक प्रश्नवाचक वाक्य बनाया कि हमारे दो चरों के बीच क्या संबंध होगा, तो उसका एक प्रस्तावित संभावित उत्तर हम बनाने की कोशिश करते हैं कि हाँ शायद कि जो हमने समस्या बनाई है इसका ये रिजल्ट आएगा, इसका ये उत्तर आएगा. तो दो चरों के बीच के संबंध को हम लोग एक जांचनी कथन के द्वारा उजागर करने की कोशिश करते हैं. तो हमेशा जो हाइपोथेसिस होती है उसका जांचनी होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है. तो ये है कि जब हम प्रयोग कर रहे हैं तो हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, जब हम परीक्षण कर रहे हैं किसी इंडिविजुअल पर तब हम हाइपोथेसिस नहीं बनाते, सिर्फ एम लेकर के चलते. जहां पर हम परीक्षण किसी ग्रुप पे करते हैं तो वहां पर फिर हम हाइपोथेसिस का फॉर्मेशन करते हैं. ये जो हाइपोथेसिस और हम समस्या की बात कर रहे हैं, इसे किसी उदाहरण के थ्रू आप अगर समझाना चाहें तो. जैसे मान लीजिए आपने चाहा कि आपने जो स्टूडेंट्स हैं उनकी क्लासरूम अचीवमेंट का अध्ययन करना है और उनके इंटेलिजेंस का अध्ययन करना है. अब हमारे पास यहाँ पर दो वेरिएबल्स हो गए, एक उनका क्लासरूम अचीवमेंट हो गया और एक उनका इंटेलिजेंस हो गया. तो आपने एक समस्या बना ली कि क्या मतलब क्लासरूम अचीवमेंट और इंटेलिजेंस के बीच में क्या संबंध होता है. ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य हो गया और आपकी समस्या बन गई कि क्लास क्या छात्रों की क्लासरूम अचीवमेंट और इंटेलिजेंस में क्या अंतर होता है, ये समस्या बन गई. अब आपने इसका एक प्रस्तावित उत्तर बनाना है कि मान लीजिए अब हाइपोथेसिस क्या है, आपके रिजल्ट में वो एक्सेप्ट भी हो सकती है, रिजेक्ट भी हो सकती है. जरूरी नहीं कि जो आप सोच करके चल रहे हैं वही आपका रिजल्ट आए, आपका रिजल्ट डिफरेंट भी हो सकता है. तो आपने हाइपोथेसिस बना ली कि हाँ क्लासरूम अचीवमेंट और इंटेलिजेंस में सकारात्मक संबंध पाया जाएगा. अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो हमारी हाइपोथेसिस होती है वो फ्यूचर टेंस में ही बनती है कि पाया जाएगा या देखा जाएगा या होगा. ठीक है, तो आपने एक प्रस्तावित उत्तर बना दिया, एक जांचनी कथन दे दिया कि क्लासरूम अचीवमेंट और इंटेलिजेंस के बीच सकारात्मक संबंध देखा जाएगा. तो इस तरीके से आप एक एग्जाम्पल था, इस तरीके से आप बना सकते हैं. बहुत बढ़िया. मनोविज्ञान में या मनोवैज्ञानिक प्रयोगों में चरों का क्या अर्थ है? चर जैसा कि इंग्लिश में इसे वेरिएबल्स कहते हैं, नाम से समझ में आ रहा है जो वेरी किए जा सके. तो यहाँ पर मनोविज्ञान में इसका थोड़ा सा अलग अर्थ होता है. यहाँ पर हम गुणों की बात करते हैं चरों के माध्यम से कि जो भी हमारे अंदर अपूर्वता है या गुण है उनका मापन चरों के माध्यम से किया जाता है. तो वो चीज जो मापनीय है, जो मापी जा सके, जो जिसको मेजर किया जा सके, वही हम मनोविज्ञान में चर के रूप में लेते हैं. तो मनोविज्ञानिक प्रयोग एवं परीक्षण की जब हम बात करते हैं, अभी मैंने कहा कि इंडिविजुअल पर आप प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं तो एम लेकर चलते हैं, तो वहां पर आपको प्रॉब्लम या हाइपोथेसिस या वेरिएबल्स को देखने की जरूरत नहीं होती. वहीं पर जहाँ पर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं या फिर कोई टेस्ट को ग्रुप में कर रहे होते हैं, तो वहां पर आप जब समस्या बनाते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं, तो उसके बाद आप देखते हैं कि कौन कौन से वेरिएबल्स आपके उसमें आ रहे हैं. तो मनोविज्ञान में दो तरीके के वेरिएबल्स को हम, तीन तरीके के वेरिएबल्स को हम स्टडी करते हैं, जहाँ पर पहला है इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसको हम हिंदी में स्वतंत्र चर कहते हैं, दूसरा होता है आश्रित चर. तो स्वतंत्र चर वो है जो रिसर्चर के या एक्सपेरिमेंटर के हाथ में होता है, उसमें वो मैनिपुलेशन कर सकता है, जोड़ तोड़ कर सकता है, हस्तक्षेप कर सकता है.
यानी कि वो आपके कंट्रोल में है, आप उसको किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं। जो आश्रित चर होता है वो स्वतंत्र चर का क्या प्रभाव पड़ रहा है उसका अध्ययन करता है। अब इसको एक एग्जांपल से मैं अगर आपको समझाऊं कि मान लीजिए आपने एक अध्ययन करना चाहा कि क्या सीखने पर पुरस्कार का क्या प्रभाव पड़ता है, सीखने पर पुरस्कार का क्या प्रभाव पड़ता है। अब पुरस्कार यहाँ पर रेनफोर्समेंट है, पुनर्बलन है। तो हम लोग हमेशा से सुनते आ रहे हैं कि अगर आप किसी को रेनफोर्स करते हैं या प्राइज देते हैं या पनिशमेंट देते हैं तो उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पर हमने मान लीजिए दो ग्रुप ले लिए और हमने ये देखना चाहा कि एक को हमने रेनफोर्स किया, एक को नहीं किया, तो क्या उनके बीच उनके रिटेंशन में क्या फ़र्क पड़ता है, उनके धारण में क्या फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पर पुरस्कार क्या है, पुरस्कार आपके हाथ में है, आप एक एक्सपेरिमेंटर हैं और आप अपनी सब्जेक्ट को पुरस्कार कितना देंगे, कब देंगे, किस तरीके से देंगे, ये आपके हाथ में है। तो आप उसे कंट्रोल कर रहे हैं, आप उसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं, मैनिपुलेशन कर रहे हैं, कभी आप उसको ज़्यादा दे रहे हैं, कभी कम दे रहे हैं। मैंने आपसे कहा कि एक चैप्टर को लर्न करके आप अगर मुझे सुनाएंगे तो मैं आपको एक चॉकलेट दूंगी, तो चॉकलेट का प्राइस है। अब अभी आपने एक चैप्टर की बात दे दिया, मे बी आप कुछ देर बाद ये कहें कि मैं दो चैप्टर की बात दूंगी या फिर आप पूरा सिलेबस जब खत्म करूंगी तब मैं आपको प्राइस दूंगी, तो वो आपके हाथ में है। तो यहाँ पर स्वतंत्र चर क्या है, पुरस्कार। अब पुरस्कार का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, तो पुरस्कार स्वतंत्र चर का जिस पर प्रभाव पड़ता है वो आश्रित चर है। तो पुरस्कार का प्रभाव सीधा पड़ रहा है हमारी लर्निंग के ऊपर, तो लर्निंग क्या हो गई, लर्निंग आश्रित चर हो गई। तो इसी तरीके से जो भी हम समस्या बनाते हैं और जो भी हम हाइपोथेसिस बनाते हैं उसके हिसाब से फिर हम अपने चरों को देखते हैं कि क्या हमारे चर होंगे, कौन सा हमारा आश्रित चर होगा, कौन सा हमारा स्वतंत्र चर होगा। स्वतंत्र चर के प्रभाव का अध्ययन आश्रित चर पर करते हैं, जिस तरीके से हमने यहाँ पे प्राइस का प्रभाव लर्निंग पर देखा। इसके अलावा तीसरा कंट्रोल वेरिएबल्स होता है। हमारे एक्सपेरिमेंट में कई सारी चीज़ों को कंट्रोल करके रखना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे रिसर्च को या हमारे एक्सपेरिमेंट को खराब कर सकती हैं, उसको बायस कर सकती हैं, उसकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी पर क्वेश्चन मार्क ला सकती हैं। तो उन चीज़ों को हम कंट्रोल करते हैं, जैसे हम एज को कंट्रोल करते हैं, हम जेंडर को कंट्रोल करते हैं। अब मान लीजिए कोई टेस्ट आप एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, वो टेस्ट का निर्माण किया गया है एडल्ट्स के लिए, वो एडल्ट्स के लिए बना हुआ है, लेकिन आप उसको एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं बच्चों के ऊपर, तो क्या आपका रिजल्ट वैलिड होगा, नहीं होगा, तो आपका रिजल्ट खराब हो जाएगा। इसी के साथ अगर जेंडर को आप कंट्रोल नहीं करेंगे, मान लीजिए आप टेस्ट कर रहे हैं महिला और पुरुषों के बीच में, कि महिला और पुरुषों के बीच में संवेगात्मक परिपक्वता इमोशनल मैच्योरिटी का टेस्ट कर रहे हैं, अब आपने क्वेश्चनर ऐसा ले लिया जो सिर्फ महिलाओं के लिए बना हुआ है और वो पुरुषों के लिए बना ही नहीं है, तो क्या वो रिजल्ट सही होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे वेरिएबल्स में हमको कंट्रोल करना पड़ता है। इसके अलावा जब हम कोई भी टेस्ट एंड एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम कंट्रोल कंडीशन में करते हैं। आप किसी क्वेश्चनर को लेकर के मार्केट में या ऐसे पब्लिक प्लेस में चले जाइए जहाँ पर बहुत नॉइस है, आपका ध्यान भटक जा रहा है, आप सही से क्वेश्चनर नहीं सॉल्व कर पा रहे, तो आपका जो सब्जेक्ट है वो सही से क्वेश्चन के आंसर नहीं देगा, तो आपका रिजल्ट खराब हो जाएगा। तो आपको कुछ सावधानी रखनी पड़ती है कि आप एक लैब कंडीशन में रख करके उसको एक्सपेरिमेंट या टेस्ट करवाएं, शांत कमरे में करवाएं जहाँ पर लाइट प्रॉपर हो, वेंटिलेशन हो। तो इस तरीके से हमको बहुत सारी सावधानियां इसमें रखनी पड़ती हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छे तरीके से आपने डिफाइन किया चरों को, तो मुझे लगता है कि हमारे स्टूडेंट्स को अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। अच्छा, ये सब तो समझ में आ गया। जैसे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जब हम वर्कशॉप कराते हैं तो फाइल में जब वो लिखना होता है उनको या फिर हम नॉर्मली भी उनको बताते हैं, तो उस समय मतलब वो किस तरीके से लिखे, परीक्षण करते समय उन्हें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, किस तरीके से मतलब उसको। बिल्कुल बिल्कुल, तो सबसे पहले जब आप फाइल करने जाते हैं, जब भी आप टेस्ट एंड एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो सबसे पहले तो आप क्वेश्चनर जो आपका है वो आप किसी सब्जेक्ट से करवाने जा रहे हैं, तो क्यों कोई आपके लिए टेस्ट एंड एक्सपेरिमेंट करेगा। तो सबसे पहले रैपो बिल्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जब तक आप एक अच्छा सौहार्दपूर्ण व्यवहार अपने सब्जेक्ट के संग स्थापित नहीं करते, तब तक वो आपके संग कंफर्टेबल नहीं होता, वो आपको सही उत्तर देगा इस बात की कोई गारंटी नहीं होती। तो सबसे पहले कोशिश कीजिए कि एक अच्छी रैपो बिल्ड कीजिए अपने सब्जेक्ट के साथ। जब आपको ये लगने लगे कि वो आपके साथ कंफर्टेबल है, तो उसके बाद आप उस पर किसी टेस्ट को एडमिनिस्ट्रेट कीजिए। टेस्ट करने के बाद आप उसको धन्यवाद के साथ विदा कीजिए, क्योंकि आपके लिए उसने टेस्ट किया हुआ है। और उसके बाद आप एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस कैसे की जाती है, हर टेस्ट की एनालिसिस अलग होती है, वो आपको प्रैक्टिकल कराने के दौरान सिखाई जाती है। तो उसके बाद जब बात आती है कि आप उसको फाइल में कैसे लिखेंगे, तो मैंने आपसे बताया
कि जब परीक्षण आप इंडिविजुअल पे कर रहे हैं तो आप एम लेकर के चलेंगे, वहां पर आप समस्या या परिकल्पना और चरण को नहीं लिखेंगे, आप उद्देश्य लेकर के चलेंगे। वही जब आप किसी परीक्षण को ग्रुप में कर रहे हैं तो फिर आप वहां पर समस्या परिकल्पना और चरण का ध्यान रखेंगे परीक्षण के दौरान, क्योंकि प्रयोग के दौरान आप समस्या परिकल्पना और चर तीनों पर ध्यान रख करके चलेंगे। इसके अलावा आप जब समस्या या उद्देश्य लिख लेते हैं तो उसके बाद आप उस परीक्षण या प्रयोग का परिचय देते हैं, तो जिस चीज़ का वो एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन जिस चीज़ टेस्ट का आप कर रहे हैं, मान लीजिए आप एंजाइटी स्केल को एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, तो आप पहले एंजाइटी के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे कि एंजाइटी क्या है। उसके बाद फिर आप प्रयोज्य परिचय सब्जेक्ट का प्रोफाइल वहाँ पर देंगे। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि साइकोलॉजी में गोपनीयता का बहुत ध्यान रखा जाता है। कोई आपको अपनी सूचनाएं दे रहा है, वो आपके संग कंफर्टेबल है, आपने उसके संग एक अच्छी रैपोर्ट बिल्ड करी है, अब आप फाइल हमारे पास भेज रहे हैं तो वो उसने परमिशन आपके संग आपको दी है अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करने, आपको मतलब आपके पास होनी चाहिए उसकी इंफॉर्मेशन, वो हमको भेजने की परमिशन आपको नहीं दे रहा है। तो जब आप फाइल हमको भेजेंगे तो आप जब सब्जेक्ट का प्रोफाइल लिखेंगे वहाँ पर आप नाम की जगह पे एक्स वाई जेड लिख दीजिए, एबीसी लिख दीजिए या छोड़ दीजिए उस जगह को, नाम आप मत लिखिए क्योंकि गोपनीयता का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके अलावा जो सूचनाएं देने की वो अनुमति आपको देता है वही सूचनाएं आप फाइल में प्रविष्ट करेंगे। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि सावधानियां हम क्या क्या रखते हैं, उन सावधानियों को लिखना होता है कि आपने किस तरीके से उस परीक्षण में सावधानियां बरती हैं। इसके अलावा आपको सामग्री टूल्स या मटेरियल जो भी आप यूज कर रहे हैं उसके बारे में लिखना होता है, जो भी आपने क्वेश्चनेयर यूज किया है उसका मैनुअल, पेपर पेंसिल, जो भी आपने चीजें यूज करी है, स्टॉपवॉच वगैरह या फिर अपैरेटस, अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो अपैरेटस के बारे में लिखिए। उसके बाद आप इंस्ट्रक्शन जो आप अपनी सब्जेक्ट को दे रहे हैं वो इंस्ट्रक्शन आपने उसमें मेंशन करने होते हैं। इसके अलावा जो प्रोसीजर है पूरे टेस्ट एंड एक्सपेरिमेंट का कि किस तरीके से आपने टेस्ट एंड एक्सपेरिमेंट को किया, उस प्रोसीजर को लिखना पड़ता है। उसके अलावा पदत संग्रह डेटा कलेक्शन का एक बनता है। डेटा कलेक्शन में जनरली हम लोग कुछ लिखते नहीं हैं, हम जो भी टेबल बनी होती है या बनानी होती है, मान लीजिए आपने आईक्यू टेस्ट किया तो आईक्यू का क्या फॉर्मूला आपने यूज किया और आपका जो रिजल्ट आया उसको एक टेबल में आपको शो करना होता है। उसके बाद आप रिजल्ट और इंटरप्रिटेशन यानी कि परिणाम और व्याख्या का एक बनाते हैं हेडिंग, तो उसमें जो भी आपका रिजल्ट आया, जो भी आपने पदत संग्रह में लिखा हुआ है उसको आप वहां पर उसकी व्याख्या कर देते हैं। तो जो भी आपका रिजल्ट रहा, मान लीजिए आपने एंजाइटी टेस्ट किया और उसकी एंजाइटी हाई लेवल की आई है, तो उसको वहां पर आप इंटरप्रेट कर देंगे कि उसका पूरा रिजल्ट क्या रहा, और आखिरी में निष्कर्ष और संदर्भ रेफरेंसेस के साथ आप अपने प्रैक्टिकल को खत्म करते हैं। तो ये चरण होते हैं प्रैक्टिकल के और इसी तरीके से फाइल में इन्हें लिखा जाता है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से डॉक्टर भागेश्वरी जोशी आपने सारी चीज़ों को समझा दिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम जब हम वर्कशॉप करेंगे तो ये वीडियो जो है वो काफ़ी हेल्पफुल होगा हमारे लर्नर्स के लिए। तो इसी के साथ मैं आपको थैंक यू कहती हूँ, थैंक यू सो मच जो आपने इतना समय निकाल करके एक अच्छा मैटर हमारे लर्नर्स तक पहुँचाया। थैंक यू सो मच।